सुकून एक ऐसा शब्द है जिसे हम लोगों में ढूंढते हैं, लेकिन असली सुकून यहाँ है, इन वादियों में, इन हसीन नज़ारों में, इस कुदरत की कला में, जहाँ हम लोगों से दूर वक्त के लिए खुद को सुकून दे सकते हैं, जहाँ हम खुद को महसूस कर सकते हैं, यहाँ हम खुद के लिए वक्त बिता सकते हैं। ऐसा सुकून जो इन शोर में नहीं, जो उन लोगों में नहीं, जो उस शहर में, वो यहाँ है। चलिए पल बिताते हैं सुकून। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल जैद इज़ एंड यू आर वाचिंग आर्टिज़न ब्लॉग्स। तो आज की जो वीडियो दूसरी शुरू हो रही है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने ऑफिस ट्रिप पे, गाड़ी ये रही अपनी, तो अभी जल्दी से निकलते हैं गाड़ी में, फिर बात करते हैं। एक्सीडेंट हुआ, वो बाइक वहाँ गिरी पड़ी है हाईवे से नीचे, और वो तेरी बाइक पूरी खत्म हो गई गाइस। आई डोंट नो किस में टकराया है, कहां वहां जाकर पुलिया को मुझे को नीचे से ना भगा पा रहे ना, ऐसे ही रखा टायर को नीचे, यहां से गिरा, इधर से गिरा पूरा। डिस्कवर बाइक है, डिस्कवर। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट कोटद्वार, थोड़ा सा रह गया है, फिर से एक बार हम कोटद्वार आ गए, और आज हमारा जो प्लान है वो है चरेक जाने का, क्योंकि चरेक अब तक अनएक्सप्लोर्ड है, मैंने एक्सप्लोर नहीं करा अब तक, और काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था, बहुत सुना था वहाँ के बारे में, तो आज सडनली हम लोग का प्लान बन गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चरेक, अभी फिलहाल टैंक फुल करा रहे हैं। भैया फुल करा रहे हो? ये फुल नहीं करा रहे यार, कितना तेल है गाड़ी में ऑलरेडी, मैं कह रहा ऐसी आ जाएगी लौट के, फिर भी डलवा रहे हैं पैसा। से निकल के चले रोड पे चल दिए हैं, और बहुत छोटी रोड है, काफी डेंजर लग रही है, बट देखते हैं आगे जाके क्या सीन होता है। मेरा फर्स्ट टाइम है चले वाली रोड पर, हाथी। तो भैया बता रहे कि इस रोड पे हाथी बहुत मिलते हैं, देखते हैं आज हमें क्या क्या मिलवाओ, क्या कह रहे हैं मिलवाओ हाथी से, मिल गया ना तू भागा तो पहले गाड़ी में, मैं भागूंगा नहीं गाइस, मैं देखूंगा उसको फाइनली कैसा दिखता है गाइस, कुछ नहीं इसकी हवा खराब होगी, सबसे पहले भागा उतर के गाड़ी में, मैं देखूंगा, कोई नहीं भागने का, धुआं निकल गया, देखते हैं क्या हो रहा है गाड़ी से, यार मजा आ रहा है, बहुत हरियाली हरियाली, और एकदम अलग ही सीन है यहाँ का, यहाँ से कोटद्वार दिख रहा है गाइस, अभी आपको जहाँ क्लियर दिखाई देगा वहाँ दिखाता हूँ, मजा आ रहा है फिलहाल। क्यों भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, ऊंचाई बहुत है, ऊंचाई बहुत। देखो अभी लैंडस्लाइड हुई हुई है यहाँ, जस्ट ये ताजी ताजी लग रही है पूरी, देख रहे हो आप पूरा, मतलब ये पहाड़ किसका हुआ है, और रोड पूरी आधी ब्लॉक हो गई है, देख लो कितना ज्यादा है, तो बी केयरफुल। वादियों में,
और इतना ज्यादा मजा आ रहा है, इतना ज्यादा मजा आ रहा है, मैं आपको क्या ही बताऊं। एक गाड़ी अपनी हो रही। फिलहाल टाइम हो चुका है दोपहर के 3:30 और बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। और इतना प्यारा मौसम है ना, हल्की सी धूप और ठंडक, और ये बादलों में भी हमें वहाँ जाना है चरेक। तो हाँ भाई, कैसा रहा सफर? सफर बढ़िया रहा। कंडीशन कुछ ज्यादा ही खराब है, इतना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत गहरे गहरे गड्ढे हो रखे हैं, गाड़ी दो बार नीचे लग चुकी है। तो अभी हम लोग उतर गए हैं, अभी भैया गाड़ी यहाँ से लेके जाएंगे। देखो किस कदर के ये दिख रहा है ना गड्ढे, वाइट एंगल जज नहीं कर पा रहा, बट ये 8 फीट 1.5 फीट का गड्ढा है कम से कम। ये देखो भाई जी, ये भागे भागे जा रहे हैं सब, क्योंकि चलने लायक रोड नहीं है, गाड़ी में बैठ के सब भाग रहे हैं। ये देखो मस्ती का, अभी यहाँ पानी भर रहे हैं। और ये सब लोग, ये गाड़ी अपनी आ रही, मैं इसमें आ गया हूँ, क्योंकि सनरूफ का मजे भी तो लेने गए। तो गाइस वी आर इन चरेक, और अभी हम लोग यहाँ से ट्रैकिंग करके जा रहे हैं, वो जा रहे हैं सब लोग, हम लोग ट्रैकिंग करके जाएंगे। लगभग हमें वहाँ जाना है, उधर कुछ है भैया बता रहे हैं, अच्छी जगह है, बहुत प्लेन एरिया है, ग्रीनरी बहुत अच्छी है। तो 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, अभी करके चलते हैं। बट मैं आ गया था स्लीपर्स में, तो थोड़ी सी भारी पड़ेगी, बट ये कर लेंगे क्योंकि बहुत सुकून है यहाँ। अल्टीमेट व्यू है, मैं कह रहा हूँ, बहुत नियर पड़ता है, हमारे से पास है बहुत। प्लस दूसरी बात ये है कि सुकून बहुत है। तो गाइस अभी हम लोग काफ़ी हाइट पर आ चुके हैं, मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हाइट है। बाकी आपको दिखाता हूँ, मैं कैमरा नहीं लाया, नहीं तो बहुत प्यारे शॉट आते टाइम लैप्स के, अगर मुझे पता होता। बट ये सडन प्लान हुआ तो हम लोग आ गए। फिलहाल आप सीन देखें, हम यहाँ पर इधर यहाँ चल रही है मैगी, ये ले गए मैगी, अभी मैं भी मैगी खाऊंगा। फिलहाल उसके बाद मिलता हूँ आपको। भैया मैगी लेने जा रहे हैं, अंदर लाइन लगी हुई है ठीक है मैगी के लिए, क्योंकि अभी हमने बनवाई है हाथों हाथ, ताज़ा ताज़ा गरम गरम मैगी, तो वो खाते हैं अभी। गाइस देखो आप सीन कितना प्यारा है सामने, और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, हम लोगों ने मैगी खा ली है और टाइम हो चुका है अराउंड 4:30। तो चलते हैं, कितना प्यारा व्यू है यार, मेरा जाने का मन ही नहीं कर रहा, बट देखते हैं। अभी अभी धुंध आ गई है यहाँ, और ये देखो ये जा रहा भाई, ब्रेक लगाओ को यहाँ। यहाँ पे देखो धुंध आ गई है, अभी हम लोग रूम्स देख हैं, थोड़े कॉस्टली है तो हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, बट अच्छे थे। ये है क्या भाई, देखो यहाँ इतनी ज़्यादा अभी कुछ भी नहीं था, इन रोड्स पे ये मूव हो रहे हैं यहाँ। और ये देखो आप, ये देख रहे हो पूरा सब दिखना बंद हो गया, अभी नीचे सब क्लियर दिख रहा था और अब धुंध ही धुंध हो गई है। तो चलते हैं अभी, फिलहाल मज़ा आ रहा है बहुत। चलो जल्दी से गाड़ी स्टार्ट हो गई हमारी, भैया मैं भी था।
अभी हम लोग रुके हैं कोटद्वार क्रॉस करके अपना पंजाबी ढाबा पर, तो यहाँ कुछ खाएंगे क्योंकि ढंग से खाना नहीं खाया था, सिर्फ मैगी पे चल रहा था, तो कुछ खाएंगे फिर घर चलेंगे। तो अभी पहुँच गए हैं, शाम को बज रहा है 7:45, तो अभी चलते हैं खाते हैं। रात के बज रहे हैं 8 और हम लोग आ चुके हैं वापस अपना बिजनौर से, खड़े हैं सब लोग, तो मैं यहाँ लाइट देख रहा हूँ, ब्लॉग कर रहा हूँ। तो आज के ब्लॉग तो इतना ही रखता है, आई होप आपको पसंद आया होगा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ घर, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, और बता देना कुछ कमेंट में अगर कुछ लगा हो तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।